सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप झोने की बीमारी झूठी कांगैरी बारे गल कर जा रहे हैं। इस वीडियो में इस बीमारी ने निशानियां किहड़े हालातों में यह ज्यादा आती है और इसकी रोकथाम बारे गल करांगे। तो दोस्तों पहले मैं शुरुआत करूँगा इस बीमारी बारे आम जानकारी तो। दोस्तों इस बीमारी नूं किसान वीर हल्दी रोग के नाम नाल भी जानते हैं, क्योंकि इस बीमारी के सिट्टे के दाने की थां ते उल्ली दे गोले बन जाते हैं, जिन्हां दा रंग हल्दी रंगा हुंदा है, जिस करके किसान वीर इस नूं हल्दी रोग के नाम नाल जानते हैं। इस तों इलावा दोस्तों हुण आपां गल करदे हां जी किहड़े हालातों के बीमारी आउंदी है। दोस्तों सब तो पहला जो मेन कारण है जी वह है जी मौसम का रोल। दोस्तों जो अपनी फसल नसारे ते हुंदी है उस समय का मौसम यह बीमारी लियाउण दे विच ज़्यादा सहाई हुंदा है। जेकर मौसम बदलवाई वाला होवे, बारिश पैंदी होवे, हवा दे विच नमी ज़्यादा होवे, यह वो सारे कारण हन जिन्हां करके यह बीमारी आउंदी है, जिस करके जिहड़ी इस बीमारी की उल्ली है वह ज़्यादा वधदी है। जदों अपनी फसल दे विच फुल पै रहे हुंदे हन उस समय जेकर यह मौसम आ जाए तो यह बीमारी होर भी ज़्यादा वधदी है। दोस्तों इस तों इलावा दूजा जो कारण है जी वह है जी अपनी नाइट्रोजन खाद की पूर्ति लई जिहड़ी आपां खादां पा रहे हां उहनां दी ज़्यादा वरतों करनी। जिवें कि आपां अपनी फसल नूं वाहण दी तैयारी तो पहला रूड़ी खाद जां आपां उस दे विच हरी खादां बीजियां हुंदियां हन तां उस दे नाल भी अपने खेत दे विच नाइट्रोजन तत्त की पूर्ति हो रही हुंदी है। उस तों इलावा आपां जिहड़ियां बाद विच यूरिया राहीं नाइट्रोजन की पूर्ति करदे हुंदे हां, जेकर आपां यूरिया ज़्यादा मात्रा विच पाता तां उस दे नाल भी यह बीमारी ज़्यादा आउण दे चांस वध जांदे हन। तां दोस्तों इस तों इलावा एक तीजा कारण हैगा जो कि है जी अपने जिहड़े नीमी वाहण हन उहनां विच पाणी ज़्यादा खड़ा रहे उस करके भी यह बीमारी ज़्यादा आउंदी है। तो दोस्तों यह हैं जी वो तीन कारण जिन्हां करके ये बीमारी आउंदी है। इस दीआं निशानियां दी गल करिए तां दाणियां दी थां ते उल्ली दे धूड़ेदार गोले बन जाते हैं, जिन्हां दा रंग पहलां तां जी हल्का क्रीमी हुंदा, उस तों बाद हल्दी रंगा हो जाता, उस तों बाद वह रंग गूढ़े हरे रंग दा विच तब्दील हो जाता है। जिहड़ियां किस्मां दा दोस्तों वध झाड़ है उहनां दे विच इह बीमारी ज़्यादा आउंदी है अते सानूं उहनां जिहड़ियां किस्मां हन उहनां ते ज़्यादा ध्यान देण दी जरूरत है। हुण आपां गल करदे हां जी रोकथाम दी। तां जदों अपनी फसल गोभ विच आ जाएगी तां आपां उस दे विच दो स्प्रेहां दे विचों कोई भी एक स्प्रे की वरतों नाल आपां इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। इस दी रोकथाम दोस्तों आपां पहलां कर सकते हैं, उस तों बाद नहीं कर सकते जदों यह बीमारी अपनी फसल के उपर अटैक कर जाएगी। उस तों बाद इसका उन्ना चंगे तरीके नाल रोकथाम नहीं हो सकती जिवें कि आपां इस दी रोकथाम यह बीमारी आने तो पहलां कर सकते हाँ। दोस्तों रोकथाम करने लई असीं 500 ग्राम कोसाइड या आपां 400 मिलीलीटर गलीलियो वे की मदद नाल इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। इन दोवों विचों कोई भी एक दवाई आप 200 लीटर पानी में घोल के अपनी फसल के उपर छिड़का करके ये बीमारी आने तो पहले ही उसकी रोकथाम कर सकते हाँ। दोस्तों इस प्रकार मैं उम्मीद है तुम्हें अज्ज की वीडियो पसंद आएगी। इस तों इलावा तुहाडा कोई भी सवाल होवे तुसीं कमेंट के पुछ सकते हो। दोस्तों मेरी एक निक्की जी बेनती है, जेकर तुसीं अपने चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो अपनी इस वीडियो के हेठां जाके लाल बटन प्रेस कर दो, अपने चैनल में सबसक्राइब कर लो, जिते नाल लगे बैल के बटन भी जरूर प्रेस कर लेना ता कि आने वाली वीडियो की जानकारी थोड़े तक जल्द पहुँचती रहे। दोस्तों इस तों इलावा मैं अपने चैनल के उपर हाल ही कुछ नवी वीडियो अपलोड कीतियां हन, उन्होंने देखने लई तुसीं अपनी एंड स्क्रीन उपर देख रही हैं इन्हां वीडियो के उपर क्लिक करके उन्होंने देख सकते हो। दोस्तों अज की वीडियो में जुड़ने तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द मिलूँ तुहानूं किसी अपनी नवी वीडियो में, तद तक लई तुसीं देख सकते हो कुछ अपनी पुरानी वीडियो। अपने चैनल में सपोर्ट करने लई तुसीं अपने चैनल में सबसक्राइब जरूर करना जी। धन्यवाद।